नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वनाथ कुंडू, आप सबको मेरा जो यूट्यूब चैनल है माई क्लास में स्वागत है। आज का जो विषय है वो है सर्च इन डाटा शीट। डाटा शीट में कैसे सर्च किया जाता है, कोई भी चीज यदि सर्च करना हो तो कैसे हम कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। ये टेबल है, ये टेबल बनाया हुआ है, ठीक है ना, एकदम इजी प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है। टेबल है यहाँ पे, जो नीचे जो ये बार है, ठीक है ना, ये जो नीचे में आपका जो बार है, यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है नीचे में, ठीक है, इस सर्च बॉक्स में आप क्या करो, क्लिक करो, ठीक है ना, इस बार के सर्च बॉक्स में आप क्लिक कर लो और आप कुछ भी यहाँ पे क्या करो, टाइप करो। ये जो स्क्रीन के नीचे में ए बार है, इसके नीचे में एक सर्च बॉक्स है, यहाँ पे आप टाइप करो। मैं करता हूँ आर, ठीक है ना, आर ए, ठीक है, आप क्या करो, एंटर प्रेस करो। आर ए से किसका किसका है, आर ए, फिर एंटर, ये देखिए आर ए कृष्णा राय, ठीक है, फिर आर ए जो भी है, मुझे आर ए, फिर उसके बाद क्या चाहिए, राजू, आर ए जे यू, ठीक है ना, राजू और बहुत हो सकते हैं, तो मैं एंटर मार मार के देख सकता हूँ, ठीक है ना, राजू पाल भी चार पांच हो सकते हैं, तो एंटर मार मार के मैं देख सकता हूँ कौन सा राजू पाल मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर दिया, हो गया, आपको चाहिए आप यहाँ पे दो और देखो 800 आ गया, ठीक है ना। तो यही है सर्च इंजिन का, और भी 800 किसी का, सपोज इसका भी 800 हो सकता है ना, मैंने यहाँ पे 800 दे दिया, तो यहाँ पे भी 800 और यहाँ पे भी 800, तो अभी सर्च बॉक्स में मारने से क्या होगा, 800 देखो पहला दिखाया, फिर आप एंटर मारो दूसरा दिखाएगा, ठीक है ना, ओके, और यहाँ पे सब 1200 दो, तो यही दिखाएगा, हाईलाइट करेगा इसी को। अब जितना भी एंटर प्रेस करो कुछ होने वाला क्या नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया सर्च इन डाटा शीट। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे सर्च करते हैं। तो दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के पास ही एक बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें, क्योंकि मैं नया नया ऐसे वीडियो देते रहता हूँ, आपको उस अपडेट का जानकारी मिलते रहे, नया वीडियो का जानकारी मिलते रहे, इसीलिए उस बेल आइकन का क्लिक करके रखें। तो आज का विषय इतना दूर ही, नमस्कार।